नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम नौशाबा खातून है और मैं FMC कंपनी में पंजाब में क्षेत्रीय विपणन प्रबंधक के तौर पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम अमनदीप है और मैं FMC कंपनी में रीजनल सेल्स मैनेजर के पद पर पंजाब में कार्यरत हूँ। और आज की इस ऑनलाइन वेबिनार में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय किसान भाइयों, आज के इस धान के सुचारू रूप से कीट प्रबंधन गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम खड़े हैं हमारे किसान भाई जोगिंदर सिंह, जो कि विलेज मलकपुर, तहसील पायल, खन्ना, पंजाब के रहने वाले हैं। सत श्री अकाल, आपका हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन वेबिनार में। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं एक सुरक्षा संदेश देना चाहूँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज हम एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, जो कि COVID-19 से निरंतर लड़ रहे हैं, इस बीमारी के बचाव के लिए हमें कुछ सुरक्षा उपाय ध्यान में रखने होंगे। जैसा कि अपने मुंह पर हमेशा मास्क लगा के रखें, हाथ बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें, खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पे रुमाल का इस्तेमाल करें, अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर की सलाह लें और इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू को बंद डब्बे में फेंक दें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। अब मैं आपको FMC कंपनी के बारे में बताना चाहती हूँ। FMC कंपनी एक अग्रणी कंपनी है, जो कि 136 साल की एक युवा वैश्विक कंपनी है, जिसका पिछले साल 28,000 करोड़ करीब वार्षिक टर्नओवर रहा है। इसमें पूरे विश्व भर में 7,000 कर्मचारी जो हैं कार्यरत हैं और दुनिया भर में 23 अनुसंधान और विकास केंद्र यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। और FMC कंपनी के पूरे विश्व भर में 26 उत्पादन और विनिर्माण सुविधाएं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं। सर, दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कृषि क्षेत्रफल जो है वो कम होता जा रहा है। हम सुचारू रूप से कीट नियंत्रण कर पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है मैडम। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत देश में टोटल 1,070 लाख एकड़ धान की खेती की जाती है और अगर पैदावार को देखें तो 2018 और 19 की 11,000 लाख एकड़ पैदावार होती है। औसतन अगर पैदावार देखा जाए तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार एक किसान लेता है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा धान उत्पादक क्षेत्र है, जो कि दुनिया भर में 20% धान की पैदावार का हिस्सा रखता है। धान ही जीवन है और हमारे भारत देश में 60% लोग चावल अपने मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 2025 तक हमें 12,700 लाख और 2050 तक हमें 18 लाख क्विंटल धान की पैदावार चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि क्षेत्र सीमित है। शहरीकरण और उद्योगीकरण के कारण कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और अगले 30 वर्षों में हमें लगभग 2 गुना प्रति एकड़ धान की पैदावार को बढ़ाने की ज़रूरत है। भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए हमें अगले 30 वर्षों में लगभग प्रति एकड़ दुगनी उत्पादनता की आवश्यकता है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की खोज के मुताबिक धान की पैदावार में 25% तक का जो नुकसान है वो कीटों की वजह से होता है और इन कीटों में मुख्यतः स्टेम बोरर यानी कि तना भेदक मुख्य कीट माना गया है। डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की एक रिपोर्ट कहती है कि धान के अंदर 29% तक की पैदावार केवल स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक से आ सकती है। तना छेदक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद, गुलाबी और पीली। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीला तना छेदक मुख्यतः भारत में आम और ज़्यादा पाया जाता है। तना छेदक का जीवन काल मुख्यतः 46 से 63 दिन का होता है, जिसमें व्यस्क 4 से 5 दिन तक रहता है। ये व्यस्क के जो अंडे हैं, एग मास जिसे कहा जाता है, वो 6 से 8 दिन तक रहते हैं। इस एग मास में से जो लार्वा रहता है वो 31 से 38 दिन तक रहता है। उसके बाद ये लार्वा प्यूपा का रूप लेता है, जो कि 9 से 12 दिन तक रहता है। आइए जानते हैं तना छेदक धान की फसल में हमला कैसे करता है। सर्वप्रथम व्यस्क पुरानी पत्तियों पर अंडे देता है। इन अंडों में से लार्वा निकलकर निचले हिस्से के तने के भीतर भाग में चला जाता है। लार्वा तने के भीतर के हिस्से को खाकर बढ़ता है। उसके बाद लार्वा प्यूपा बन जाता है। प्यूपा से फिर व्यस्क निकलकर अन्य पौधों पर आसपास चला जाता है। नुशाबा, तना छेदक के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा कीट नियंत्रण कौन सा है? तना छेदक के नियंत्रण के लिए पिछले 11 वर्षों से किसानों की पहली पसंद जो उभर कर आई है वो है FMC फर्टेरा
कण कण में क्रांति। 10 सालों से लाखों किसानों के धान के खेतों में तनाछेदक नियंत्रण के लिए चुना गया सबसे सर्वश्रेष्ठ कीटनाशक जो है वो फर्टेरा है। नुशाबा, एफएमसी फर्टेरा की मुख्य खूबियाँ क्या क्या हैं? एफएमसी फर्टेरा क्योंकि यह दानेदार है इसलिए धान के खेत में उपलब्ध पानी में यह आसानी से घुल जाता है। पौधों की जड़ों से फर्टेरा अवशोषित होकर तने तक पहुंच जाता है। तने में मौजूदा जो कीट है वो फर्टेरा को खाता है और वह बाद में खाना बंद कर देता है जिससे पौधों को कोई और नुकसान नहीं होता है और तना छेदक जो है वो मर जाता है। अच्छा नुशाबा, एफएमसी फर्टेरा को धान की खेती में किस तरह से उपयोग में लाया जाता है? एफएमसी फर्टेरा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रेत में मिलाकर इसका छिड़काव किया जाता है। रुपाई के 15 से 30 दिन के बीच में इसका छिड़काव होना चाहिए। मिश्रण को तुरंत इस्तेमाल करें, इसे रात भर ना रखें। उत्तम परिणामों के लिए खेत में 5 से 7 दिन तक पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखें। सामान्य तौर पर 2% डेडहार्ट्स जो हैं वो रुपाई के 15 से 30 दिन के बीच में दिखते हैं, लेकिन हम एफएमसी फर्टेरा का सिफारिश आर्थिक क्षम्य मात्र पर ही करते हैं। और रुपाई के 15 से 30 दिन बाद जो स्टेज होता है वो है एक्टिव टिलरिंग स्टेज। इस समय में अगर तना छेदक अटैक करें तो हमें डेड हार्ट्स यानी कि सफ़ेद कले देखने को मिलते हैं जो कि उत्पादक कलों का सीधा नुकसान होता है और उत्पादन में कमी लाती है। अगर एफएमसी फर्टेरा का सही समय पर उपयोग हो तो सुंडी का प्रकोप नहीं रहेगा और कले भी सुरक्षित रहेंगे जिससे बीज वैरायटी की अनुवांशिक क्षमता के अनुसार उत्पादन लिया जा सकता है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के रिपोर्ट के मुताबिक एफएमसी फर्टेरा के उपयोग से बासमती धान में लागत लाभ अनुपात जो है वो है 1:23.67 यानी कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 1:23.67 है। नुशाबा, मैंने सुना है फर्टेरा से कल्ले भी बढ़ते हैं। एफएमसी फर्टेरा कल्ले बढ़ाने की दवाई नहीं है। एफएमसी फर्टेरा सही समय पे तना छेदक के नियंत्रण की दवाई है। इसके परिणाम स्वरूप पौधे की विकास क्षमता बढ़ती है क्योंकि पौधा जो है इल्ली से पीड़ित नहीं है। अगर पौधा इल्ली से पीड़ित ना हो तो एफएमसी फर्टेरा का उपयोग नहीं करना है। अच्छा, फर्टेरा कौन कौन सी संस्था से मान्यता प्राप्त है? एफएमसी फर्टेरा बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त है जैसे कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा और केंद्रीय सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। सर, ये जो ग्रीन लेवल है जो कि एफएमसी फर्टेरा के पैक शॉट में है, इसका क्या महत्व है? भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कीटनाशकों को उनके जहरीलेपन के हिसाब से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला लाल यानी कि बहुत जहरीला, दूसरा नीला ज़्यादा जहरीला, तीसरा पीला सामान्य जहरीला और चौथा हरा बहुत ही कम जहरीला। और फायदे की बात यह है कि एफएमसी फर्टेरा ग्रीन लेवल का है जिसका इस्तेमाल आर्थिक क्षम्य मात्र पर ही करना है। और हाँ, याद रखें सही खुराक 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के सही खुराक से इसका उपयोग करें। समय पे उपयोग, अधिकतम लाभ के लिए रुपाई के 15 से 30 दिन के बाद इसका उपयोग करें। इस्तेमाल के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। खेत में अगले 5 से 7 दिनों तक पर्याप्त पानी की मात्रा बनाए रखें। क्या ना करें? फर्टेरा के इस्तेमाल के बाद इसी वर्ग यानी कि वर्ग 28 के किसी भी कीटनाशक का प्रयोग ना करें। इस्तेमाल के सुझाए गए दिनों के बाद फर्टेरा का इस्तेमाल ना करें। अब सुनते हैं श्री जोगिंदर सिंह जी की जुबानी फर्टेरा की सफलता की कहानी। सत श्री अकाल, मैं जोगिंदर सिंह सन ऑफ मुख्तियार सिंह पिंड मुलांपुर तहसील पैल जिला लुधियाना रहने वाला हाँ। मैं पिछले 50 साल से खेतीबाड़ी का काम करता हाँ और मैं पिछले 10 साल तो एफएमसी कंपनी फर्टेरा का इस्तेमाल करता आ रहा हाँ और इस दे बहुत वधिया रिजल्ट हैं। एफएमसी फर्टेरा का इस्तेमाल करने मैनू गौ की सूडी तो पूरा कंट्रोल मिलता है। ये दवाई वरतन मैनू होर भी किसान पुछण लग जाते हैं भाई तुम किहड़ी चीज़ की वरतों करी है, तो मैं उन्होंने दस रहा हाँ कि मैं एफएमसी कंपनी फर्टेरा का इस्तेमाल किया है। एफएमसी फर्टेरा वरतन ना तो यह शरीर से लड़ती है जी, तो ना इन हत्थों का रंग चढ़ता जी, तो इस बरतन वधिया रिजल्ट भी मिलते हैं। इस बरतन अपना वातावरण भी शुद्ध रहता है। मैं बाकी किसानों भी बेनती करता हाँ कि एफएमसी फर्टेरा का 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब न झोना लगाने तो
15 तो 30 दिन के विचकार इस्तेमाल करना चाहिए है। एफ एम सी फरटेरा बरतन नाल मैनू 2 से 4 क्वांटल का झाड़ का फर्क पिया है। जो तो मैं फरटेरा नहीं वरतदा थी उस तो पहला मैनू 3 से 4 स्प्रेह करनिया पैंदियां सन। जो का मैं एफ एम सी फरटेरा बरतन लग्या हाँ तो मैं इस 10 साल तो 1 स्प्रे करदा हाँ। इस बरतन नाल खर्चा घट गया है तो पैदावार बढ़ गई है। मैं सारे किसानों नूं बेनती करदा हाँ कि तुसी भी एफ एम सी फरटेरा का इस्तेमाल करो। एफ एम सी फरटेरा कंपनी के सारे जिन्हें मुलाजम आए हैं उन्होंने धन्यवाद करदा। सर आप आज किसान संगोष्ठी में सम्मिलित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस ऑनलाइन किसान संगोष्ठी के आखिरी चरण में मैं किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि कीटनाशकों का सही इस्तेमाल कैसे करें। कीटनाशकों को खाद्य सामग्री के साथ ना मिलाएं। कीटनाशकों वाला कमरा ताले से बंद रखें। कीटनाशकों को बच्चों से दूर रखें। हमेशा बिल के साथ कीटनाशक खरीदें। हमेशा पैक के साथ दिया गया लीफलेट या लिटरेचर उपयोग के पहले ज़रूर पढ़ें। कीटनाशकों के प्रयोग के समय सुरक्षात्मक कपड़े ज़रूर पहनें। चश्मा, मास्क, पीपीई किट और दस्तानों का ज़रूर इस्तेमाल करें। केवल सिफारिश के अनुसार कीटनाशकों का उपयोग करें। कीटनाशक के उपयोग से पहले उसे अच्छी तरह मिलाएं। टंकी भरते समय टपकने से बचें। कीटनाशक के खाली कंटेनर को खाद्य सामग्री या पानी के लिए इस्तेमाल ना करें। हवा की दिशा में स्प्रे करें। नोजल को मुंह से साफ ना करें। छिड़काव करते समय खाना पीना या धूम्रपान करना सख्त मना है। लीक स्प्रे उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। आज की इस ऑनलाइन संगोष्ठी में आप सब लोगों ने धान की खेती में तना छेदक इल्ली के बारे में जाना, उसका प्रकोप कैसे होता है और उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।